हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम मल्टीप्लिकेशन का कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 11 और 12 का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स देखेंगे, बाद में बाकी सब देखते रहेंगे धीरे धीरे। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, पहले 3 डिजिट का लेते हैं, फिर 4, फिर 5 डिजिट का, ऐसे ऐसे करके लेते रहेंगे, ठीक है। तो पहला डिजिट ले लेते हैं आपका 999। अब इसको 11 से अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा, ठीक है ना। एक मिनट, तो क्या करोगे इसको, बस 1 9 इधर लिख दो और 1 9 इधर लिख दो, ठीक है। अब ये दोनों को ऐसे ऐड कर दो, 9 प्लस 9, और फिर ये दो 9 को ऐसे 9 प्लस 9 करके ऐड कर दो। अब क्या होगा, 9 का रहेगा 9, 9 प्लस 19 हो जाएगा आपका 18, ठीक है। अभी ये एक जो है ये एक इधर चला जाएगा, और 9 प्लस 9 होता है आपका 18 प्लस 1 हो जाएगा आपका 19, और ये एक 9 चला जाएगा इधर, तो हो गया आपका 10 प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10, तो ये 9 बैठ गया आपका 9, इधर का 8 बैठ गया, फिर ये 9 बैठ गया आपका, और फिर ये आपका 10। तो दोस्तों, अगर आप लोग 999 को 11 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आपका हो जाएगा 10989, ये होगा आपका आंसर। शायद आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, चलिए मैं एक और नंबर से दिखाते हूँ आपको। तो इस बार लेते हैं आपका 653 × 11, ठीक है। तो 6 को साइड में रखो, 3 को ले जाओ दूसरे साइड में, फिर क्या करोगे, 6 और 5 को ऐड कर दो, 6 प्लस 5 हो गया। अब करो 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, और 3 तो इधर है, तो अभी 3 को बिठा दो, फिर बिठा दो आपका 5 प्लस 3 क्या होता है, होता है आपका 8, फिर 6 प्लस 5 जो कि होता है आपका 11, और ये एक चला जाएगा इधर, मतलब इसके साथ एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7। तो जब आप 653 को 11 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो हो जाएगा आपका 7183, ठीक है। चलिए एक और नंबर देख लेते हैं। तो इस बार लेते हैं आपका 235 × 11, सेम 2 को रखो साइड में, 5 को ले जाओ थोड़ा सा दूर, बीच में करो 2 प्लस 3, फिर करो आपका 3 प्लस 5, 5 बैठ गया, ये दोनों मिलके हो गया आपका 8, 2 प्लस 3 हो जाएगा आपका 5, और ये सिंगल 2। तो 235 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा आपका 2585, ये होगा आपका आंसर, ठीक है ना दोस्तों। कैसा लगा, अच्छा लगा ना। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी 4 डिजिट वाला देखते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, चलिए 9281, ठीक है। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 को बिठा दिया साइड में, फिर से 1 को बिठा दिया साइड में, अब क्या करोगे, अब करोगे 9 प्लस 2, फिर क्या करोगे, फिर करोगे 2 प्लस 8, फिर क्या करना है, फिर करना है 8 प्लस 1, हो गया। ये एक बैठ गया, ये दोनों बैठ के हो गया 9, ये दोनों बैठ के हो गया 10, और एक इधर चला जाएगा, हो जाएगा 9 प्लस 2 11, और 12 एक मिल गया, हो जाएगा आपका 12। तो ये पोछ देते क्योंकि ये इधर चला जाएगा, फिर इधर जो आपका 12 है उसका भी एक चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा आपका ये 10। तो क्या होगा आपका, जब आप 9281 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा आपका आंसर 102091। तो इजी लगा ना। तो चलिए फिर से एक और देख लेते हैं 4 डिजिट का, चलिए एक और देख लेते हैं आपका, उसके बाद 12 का देखेंगे। तो 4 का बिठा दो साइड में, और 8 है, 8 को बिठा दो साइड में, फिर क्या करना है, वही 4 प्लस 2, फिर क्या करना है, करना है आपको 2 प्लस 5। अब
अब करना है आपको 5 प्लस 8 आपका 8 बैठ गया, ये दोनों मिलके हो जाएगा आपका 13, ये होगा आपका 2 प्लस 5 हो जाता है 7, लेकिन ये एक जो है ये इधर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये दोनों मिलके हो जाएगा आपका 6 और ये 4 तो 4 ही रहेगा। तो 4 2 5 8 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर जो है वो होगा आपका 4 6 8 3 8, ठीक है, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। कितना टाइम लगा? 10 सेकंड से तो ज्यादा नहीं लगा होगा। आप लोग सोचो अगर 10 सेकंड लगता नहीं है समझने में तो करने में कितना और कितना टाइम लगेगा। चलो अभी देखते हैं हम लोग 12 का, 12 से क्या क्या होगा। तो फिर से एक नंबर ले लेते हैं आपका, ले लेते हैं आपका वही 999 ले लेते हैं और 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना। तो इस पे बिठा दो 9 को साइड में। अब क्या करना है, अब करना है आपको ये जो 9 है इसके साथ ये 2 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 9 का डबल, 9 का कर दो डबल, फिर 9 के साइड में जो बैठा है जो भी नंबर बैठेगा उसके साथ कर दो आप प्लस। सेम इसी नंबर के साथ भी ऐसे करना है तो कर दो 9 × 2 प्लस क्या होगा ये वाला 9, ठीक है। अब ये वाला 9 इसके पीछे तो कोई नहीं है तो इसको बस डबल करके रख दो। फिर भी अगर आपको मन करे तो इसके साथ 0 भी ऐड कर देना, कर सकते हो, क्योंकि 0 तो 0 ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका 18, ये हो गया आपका 18 और 9 27, 27 का एक इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है। फिर ये 2 इधर चला जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं, इसका भी 27 और 2 होता है आपका 29, तो 29 ये इसको पोच दो क्योंकि ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 29 और ये 2 चला जाएगा इधर इसके साथ ऐड होने, तो क्या होगा ये हो जाएगा प्लस 2। तो आप लोग करोगे इसका 8 बिठा दो, इसका फिर से 8, फिर ये 9 और ये 9 प्लस 2 11, तो 999 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये रहेगा, ठीक है ना, अच्छा है ना। तो चलो फिर से एक और ट्राई करते हैं, उसके बाद होमवर्क दूंगा, आप लोग करके आना प्लीज, मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा हेल्प होगा। चलो फिर से ले लेते हैं कोई नंबर 438, इसको करते हैं 12 से मल्टीप्लीकेशन। अभी 3 डिजिट का कर रहा है उसके बाद 4 डिजिट का करेंगे, तो 4 को रखो साइड में। अब क्या करना है, 4 को कर दो डबल क्योंकि 2 है इधर, 4 × 2 उसके पीछे क्या बैठेगा ये 3 बैठेगा, जैसे इसके पीछे पीछे हम लोग 9 बिठाए थे क्योंकि 9 था, ठीक है ना, आप लोग देख पा रहे हैं ना। तो बिठा दो प्लस 3, अब क्या करना है 3 को कर दो डबल और उसके पीछे कौन है, उसके पीछे है आपका 8, तो प्लस करके 8 बिठा दो और 8 के पीछे तो कोई नहीं है तो सिर्फ 8 को कर दो आप लोग डबल, तो ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 6 8 14 और एक इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। अभी ये एक और फिर से इधर चला जाएगा तो 8 प्लस 3 होता है आपका 11 और एक आ जाएगा तो इसका हो जाएगा 12, फिर से ये एक इधर चला जाएगा तो ये प्लस 1 होके हो जाएगा 5। तो जब आप 438 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर होगा 5256। इजी है ना। चलो अभी 4 डिजिट का देख लेते हैं, फिर ले लेते हैं आपका 5261 × आपका 12, तो वही 5 को बिठा दो साइड में, फिर 5 को डबल करो 5 × 2 उसके पीछे जो है उसको बिठा दो प्लस करके तो ये 2 बैठ जाएगा। सेम 2 को भी करो डबल, कर दिया, उसके पीछे कौन है 6 तो प्लस 6, फिर क्या है 6 को कर दो डबल, उसके पीछे कौन है 1 बिठा दो, 1 अभी करो 1, 1 के पीछे कोई नहीं है तो 1 को कर दो सिर्फ डबल, तो ये बैठ गया आपका 2, ये 6 × 2 12 प्लस 1 13, ये 1 चला जाएगा इधर
टू फोर प्लस सिक्स हो जाएगा आपका 10, और एक इधर चला जाएगा तो 11, फिर से एक इधर चला जाएगा तो 10, दो 12 और एक 13, फिर एक इधर चला जाएगा प्लस 1 हो जाएगा 6। तो 5261 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर होगा 63132। है ना आसान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप लोग उसका करके लाना। तो ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क, आप लोग मेरे लिए करके लाइएगा, मैं चेक करूंगा। तो बाय बाय। तो फिलहाल चलते हैं। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। दिस इज जॉब पाथ एकेडमी साइनिंग ऑफ।